चीफ गेस्ट नूरानी पब्लिक स्कूल मिस्टर अब्दुल गनी शेख साहब के साथ कुछ वैल्यूएबल मोमेंट्स। Education was just to learn 3 hours, that is reading, writing and arithmetic. But with the passage of time, we see that new things have come into existence, and among those new things, top priority is given to sports. We see that once we are physically sound, physically fit, then most probably we are mentally sound as well. So dear students, you must take part whenever you get the chance, whenever there is an event, whether it is at our school, whether it is at any other university, you must take part as well. Sports make us physically smart and active. So dear students, keep in touch yourself with the sports as well, but don't leave academics, because on a priority basis, we have to be a good academic student. And later on, this adjusts to your ability, this adjusts to your future. You can have a bright future once you are a good sportsman. Thank you. Mobile phone and other evils are there in the society. You have to keep yourself away from these evils. There and then, you can have a safe future. Is it okay? Please avoid the things that are not good for our future. Sometimes we realize that phone is an important thing. We can't live without phone, no doubt. This is the age of phone. This is the age of mobile phone. But it is the age that matters. When you are grown up, actually grown up, when you are in 10th, when you are in 9th, when you are in 11th or 12th, you need the services of a phone. But this time, when a good teacher is available to you, when good services of good teachers are available to you, I don't think that phone can be a good friend of yours at this age of life. Go ahead. थैंक यू सर। हम आपके ध्यान निश्चित करना चाहते हैं कि आज हमने चेस कंपटीशन ऑल एज ग्रुप यानी कि अंडर 14, अंडर 17 और अंडर 19 का यहाँ कंपटीशन किया बॉयज में, और आइंदा इंशाल्लाह रहमान सैटरडे को हमारा गर्ल्स का है। आपके गर्ल्स ऑल जोन वेरी गुड। तो हम आपके मशहूर हैं कि आपने हमें इतनी सर्विस प्रोवाइड की यहाँ पे। यहाँ रफ्तार है, यहाँ रफ्तार बनता है क्यों? डिपार्टमेंट ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स के तरफ से आपके आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। इनका रिजल्ट बताने से पहले मैं बता दूं, जिगर मेरा, आप जिस हस्ती के सामने वो तमन्ना होता है लोगों को कि इनकी बातें सुने। आपने सुना होगा इन इंग्लिश इनका स्पीच था, लेकिन अगर आपको समझ में आ गया होगा टोटली ये फ्रूटफुल था आपके लिए कि मोबाइल फोन कैसे इस्तेमाल करें, टीचर की इज्जत कैसे करें, टीचर से सर्विस कैसे ले और सपोर्ट्स का फायदा कैसे उठाए। टोटल में जो भी टीचर आपके सामने होता है आपकी भलाई और बेहतरी के लिए। टीचर इज योर बेस्ट फ्रेंड, इज मोर देन योर पेरेंट्स, मोर देन एनीथिंग एल्स। रेस्पेक्ट एंड ऑनर द टीचर। आप जैसे हमें यूज करना चाहोगे, और हम ही नहीं बल्कि एकेडमिक्स में जो आपके टीचर साहिबान हैं वो भी। और रिजल्ट अनाउंस करता हूँ मैं अंडर 19 का। अंडर 19 में जो हमारे सेकंड पोजीशन हासिल करने वाले जो स्टूडेंट है वो है BHSS नागाम से जीशान लतीफ। और इसमें जो गोल्ड हासिल किया है वो है HSS हायकपुरा जुनैद शफी। Go ahead. और आप भी थोड़ा तालियों में वो जिज्जत वो
मोशन लाइए, हरकत लाइए जो लगे कि नहीं इन्होंने कुछ किया है। और चेस वो गेम है जहां आपके जोर नहीं चलते हैं बल्कि मेंटल एबिलिटी चलती है। जो अंडर 17 का रिजल्ट है वो है सेकंड पोजीशन हासिल की है फैजान अहमद गनाई HSS हायरपुर अगेन। मेरी नजर में ये वही लड़का है जिसने शायद पहले भी डिस्ट्रिक्ट खेला है, पहले से ये लीड करता है, सईद इखलास।